आप स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दें। सागर टाइम्स न्यूज पर, वो भी सबसे किफायती दरों पर। विज्ञापन हेतु स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करें। नमस्कार, सागर टाइम्स न्यूज में आप सबका स्वागत है। पेश है आज दिन भर की सागर की प्रमुख खबरें। शुरुआत कर से जहां पर सागर के मकरोनिया व नरियावली में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिनरल वाटर फैक्ट्री व आइस फैक्ट्री पर कार्रवाई की है, फैक्ट्रियों को सील किया गया है। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र में संतुलित उर्वरक उपयोग विषय पर एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने जिले के सभी बीएमओ को नोटिस दिया है, जिसमें दो दो वेतन वृद्धि रोकने का निर्देश दिया गया है कार्य में लापरवाही बरतने पर। वहीं हम आपको बता दें कि जिले में कोरोना टीकाकरण में सागर नगर निगम अव्वल रहा है। अब तक 2,22,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं 4 साल के मासूम की इलाज के दौरान मौत के बाद चेतन अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया है। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं की प्रवेश परीक्षा शहर के 2 परीक्षा केंद्रों सहित जिले के 23 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। पालिका ने संत रविदास भवन में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना का शिविर लगाकर किया है। ये थी आपकी आज की सागर की प्रमुख खबरें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।